भारत एक अविश्वसनीय भूमि है। इसमें अनेकों खूबसूरत परिदृश्य और मन को लुभाने वाले पर्यटन स्थल हैं। लेकिन जहां एक ओर तमाम खूबसूरती है, वहीं कुछ गहरे राज और रहस्यमय दृश्य भी हैं, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को निशब्द कर दिया है। ऐसे ही कुछ हैरतअंगेज दृश्यों को आज हम आपके सामने रखेंगे, जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं हिंदी और हिंदुस्तान। आइए प्रारंभ करते हैं। नंबर वन, आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी का हैंगिंग पिलर। क्या आपने कभी कोई ऐसा पिलर देखा है जो बगैर जमीन को छुए हवा में लटका हुआ हो? अपनी वास्तुकला और पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध लेपाक्षी भारत में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का एक रहस्यमय पहलू इसका स्तंभ है, जो इस मंदिर के बाकी 70 स्तंभों से अलग है। यह स्तंभ बिना किसी सहारे के हवा में लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार लोग इस स्तंभ के नीचे से वस्तुओं को आर पार करते दिखते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से यश की प्राप्ति होती है। अब इस पिलर के हवा में लटके होने का क्या कारण है, ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी शोध का विषय है। नंबर दो, केरल में स्थित मल्लपुरम के कोधिनी में जुड़वों का गांव। सुनने में थोड़ा सा हैरान करने वाला है, लेकिन यह सच है। यहां अधिकतर बच्चे जुड़वा ही पैदा होते हैं। फिलहाल ये 400 जुड़वों का गांव है। जाने माने विशेषज्ञ और चिकित्सक भी इस दुर्लभ रहस्यमय चिकित्सा चमत्कार को देखकर दंग रह गए हैं। वैसे तो इस चमत्कार के पीछे उनका कारण यहाँ का पानी और आहार है, किंतु आज भी इस गुत्थी को सुलझा पाना किसी के बस का नहीं, और ये रहस्य आज भी महज एक रहस्य ही है। नंबर तीन, उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ की यह अभूतपूर्व और चौंका देने वाली स्मारक यूरोपीय और अरबी वास्तुकला का एक सुंदर संकलन है। यह महल गुरुत्वाकर्षण के नियमों की अवहेलना करता है। इसके मध्य में कृत धनुषाकार हॉल 3 मंजिला है, किंतु यह बगैर किसी स्तंभ के खड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महल महज 1 दिन और 1 रात में बनाया गया है, और शायद इसीलिए इसके निर्माण के पीछे की तकनीक एक रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझी। नंबर चार, उत्तराखंड में स्थित चमोली की रूपकुंड झील। ऐसी जगह जो दिन में भी आपके पसीने छुड़ा दे। कंकालों की झील नाम से प्रख्यात यह झील 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अपने किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकालों के पाए जाने के लिए यह झील प्रसिद्ध है। यह झील पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है और चट्टानों से हिमनदों से घिरी हुई है। इंसानी कंकालों के पाए जाने के पीछे लोगों का यह मानना है कि यह उस वक्त के एक पौराणिक राजा का पूरा साम्राज्य था, जो किसी यात्रा पर निकला था और किसी भूस्खलन की चपेट में आ गया था। वहीं वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के जनजातियों का है, जो उस वक्त यहाँ निवास करते थे। इन सभी कारणों के बावजूद यह भयावह दृश्य आज भी एक रहस्यमय सवाल पूछता है, जिसका जवाब देने में दुनिया भर के वैज्ञानिक असमर्थ हैं। नंबर पाँच, लद्दाख में स्थित चुंबकीय पहाड़ी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बिना इंजन चालू किए ही कोई गाड़ी चढ़ाई की ओर बढ़ रही हो? जी हाँ, ऐसी एक रहस्यमय पहाड़ी है। भारत के रहस्यमय अजूबों की सूची में एक नाम इस चुंबकीय पहाड़ी का भी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, चुंबकीय पहाड़ी स्थिर वाहनों को ऊपर की ओर खींचती है। इसका मतलब है कि अपने वाहनों के इंजन को बंद करके भी यहाँ ड्राइव किया जा सकता है। इस रहस्य के पीछे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वास्तव में यह पहाड़ी ऊंचाई पर ना होकर ढलान की ओर है, जिसकी वजह से गाड़ियां बिना चलाए ही ढलान पर नीचे की ओर लुढ़कती हुई दिखाई पड़ती हैं। किंतु इस बात का सबूत वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, कारणवश यह रहस्य भी एक रहस्य ही है। नंबर छः, महाराष्ट्र में स्थित शिवपुर का उड़ता पत्थर। हजरत कमर अली दरवेश दरगाह कोई असामान्य दरगाह नहीं है। यह दरगाह भारत के रहस्यमय स्थानों में सूचीबद्ध है, और इसे एक विशेष चट्टान के लिए जाना जाता है, जिसका वजन 70 किलोग्राम है और इसे केवल एक ही माध्यम से उठाया जा सकता है। चट्टान को उठाने के लिए 11 लोग इसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और इसे अपनी तर्जनी के साथ स्पर्श करते हुए जोर से उस संत का नाम पुकारते हैं
जिन्होंने उस पर श्राप दिया था, जिसके बाद पत्थर जादुई रूप से हवा में ऊपर उठ जाता है। पत्थर को किसी और तरीके से नहीं उठाया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है कि कमर अली नामक एक सूफी संत ने लगभग 800 साल पहले कसरत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इस पत्थर पर श्राप दिया था, किंतु इसका वैज्ञानिक प्रमाण आज भी विशेषज्ञों के पास उपलब्ध नहीं है। नंबर 7, महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगड़ापुर के बगैर दरवाजों के घर। यह स्थल अपने शनि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह धार्मिक कारणों से भारत में घूमने के लिए सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। इस गांव के किसी भी घर, स्कूल और यहां तक कि व्यवसायिक इमारतों में भी कोई दरवाजा या चौखट नहीं है। इसके अलावा यहां अब तक एक भी अपराध की सूचना नहीं मिली है। ग्रामीणों की भगवान शनि पर अटूट आस्था है और उनका मानना है कि गांव में लगभग शून्य अपराध दर उनकी ही कृपा है। इस रोचक दृश्य के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण ना होना इसे भी रहस्यमय स्थलों की सूची में शामिल करता है। नंबर 8, केरल के इडुक्की में लाल बारिश। पश्चिमी घाट के समृद्ध प्राकृतिक वैभव वाले स्थान के अलावा यह क्षेत्र अपने लाल बारिश की वजह से काफी मशहूर है। इडुक्की में पहली बार 25 जुलाई 2001 को लाल रंग की बारिश हुई और 2 महीने तक छुटपुट रूप से चलती रही, जिसका प्रभाव कपड़ों और इमारतों पर भी दिखा। यह रक्त लाल बारिश जब स्थानीय लोगों द्वारा एकत्र की गई तो साफ पानी में बदल गई और नीचे लाल कण जमा हो गए। काफी विश्लेषण और बहस के बाद वैज्ञानिकों ने इस घटना के लिए एक मत देते हुए यह बताया कि लाल कण क्षेत्र में स्थानीय रूप से बढ़ने वाले शैवाल के वायुजनित बीजाणु हैं, परंतु उनके इस कारण को सही साबित करने के लिए किसी पुख्ता सबूत का ना होना इसे भी एक रहस्य बना देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सोमवार को किसी अगले रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब करिए हिंदी और हिंदुस्तान को, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।